नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले एक ऐसे क्रिप्टो कॉइन के बारे में जो कि CoinDCX ऐप के ऊपर अभी अभी न्यूली लिस्ट हुआ है एंड जिसका नाम है एंकर प्रोटोकॉल। सो सबसे पहले बात करेंगे हम एंकर प्रोटोकॉल क्या है, देन हम बात करेंगे कि उसके फाउंडर्स कौन है एंड बाद में हम देखेंगे कि वो वर्क क्या करता है। देन हम उसके कुछ की एट्रीब्यूट्स देखेंगे एंड उसके बाद में कुछ चार्ट्स देखेंगे एंड लास्ट में हम देखेंगे कि उसे हम बाय कैसे कर सकते हैं। सो बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सो एंकर प्रोटोकॉल बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज मनी मार्केट है जो कि क्रिएट किया गया है टेरा ब्लॉकचेन के ऊपर। एंड जैसे कि एंकर प्रोटोकॉल टेरा ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड है तो ये उसके यूजर्स को टेरा USD देता है जो उसके डिपॉजिटर्स होते हैं उनको एट ए स्टेबल 20% एनुअल परसेंटेज यील्ड, दैट इज 20% APY। एंड जो एंकर प्रोटोकॉल के अंदर लोन्स लेते हैं लाइक बोरोवर्स होते हैं वो, तो वो बॉन्डेड लूना bLuna को कोलैटरलाइज कर सकते हैं। एंड एंकर के जो यूजर्स है उनके लिए वो गवर्नेंस भी प्रोवाइड करता है अलॉन्ग विद द परसेंटेज ऑफ प्रोटोकॉल अर्निंग। सो इन सिंपल वर्ड्स एंकर प्रोटोकॉल एक लेंडिंग एंड बोरोइंग प्रोटोकॉल है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि एंकर प्रोटोकॉल वर्क कैसे करता है एंड मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूंगा। सो बेसिकली एंकर प्रोटोकॉल 3 मेन मैकेनिज्म्स के ऊपर वर्क करता है। सबसे पहला मैकेनिज्म है बॉन्डेड एसेट्स, देन आता है मनी मार्केट एंड जो थर्ड मैकेनिज्म है वो है लिक्विडेशन ऑफ लोन्स। अब बात करते हैं फर्स्ट की जो है बॉन्डेड एसेट, उसको शॉर्ट फॉर्म में B एसेट भी कहते हैं एंड ये B एसेट को हम सिंबल भी कह सकते हैं ओनरशिप का ऑफ द प्रूफ ऑफ स्टेक एसेट। अब आते हैं सेकंड मैकेनिज्म के ऊपर जो कि है मनी मार्केट। सो ये जो टेरा ब्लॉकचेन के ऊपर टेरा मनी मार्केट है ये एक वेब असेंबली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि टेरा ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय किया गया है एंड इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के वजह से यूजर्स बोरोइंग एंड डिपॉजिटिंग कर सकते हैं UST में जो कि है टेरा USD। अब बात करते हैं थर्ड मैकेनिज्म की जो कि है लोन लिक्विडेशन। सो बेसिकली मनी मार्केट को डिफाइन किया गया है फ्रॉम द पूल ऑफ टेरा डिपॉजिट्स। सो जो बोरोअर्स होते हैं पूल के अंदर से जिनको बोरो करना होता है उनको अपने डिजिटल एसेट्स रखने पड़ते हैं एज ए कोलैटरल और एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम यूज किया जाता है उसके इंटरेस्ट रेट्स कैलकुलेट करने के लिए जो कि बेस्ड होता है सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर एंड रिप्रेजेंट किया जाता है पूल्स यूटिलाइजेशन रेशियो के ऊपर। एंड जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं एंकर प्रोटोकॉल के अंदर उन्हें एंकर रेट भी कहा जाता है एंड वो एंकर रेट एक की कंपोनेंट है एंकर प्रोटोकॉल के लिए। अब बात कर लेते हैं एंकर प्रोटोकॉल के कुछ की फीचर्स के बारे में। सो सबसे पहला फीचर एंकर प्रोटोकॉल का ये है कि वो एक मनी सेविंग प्रोडक्ट है। जैसे कि हम सबको पता है कि क्रिप्टो एसेट्स के अंदर काफी ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है एंड जो लो रिस्क पैसिव इनकम वाले यूजर्स रहते हैं उनको ये क्रिप्टो के अंदर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है क्योंकि इसके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा होता है। सो एंकर प्रोटोकॉल इस प्रॉब्लम के ऊपर एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ टेरा स्टेबल कॉइन मनी मार्केट। सो जो डिपॉजिटर्स रहते हैं टेरा कॉइन के, सो उन्हें रिटर्न्स में स्टेबल कॉइन रिसीव होते हैं जिसकी वोलेटिलिटी कम होती है बाकी क्रिप्टोज से। अब बात कर लेते हैं इसके सेकेंड की फीचर की जो कि है लिक्विडेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। जो एंकर का लिक्विडेशन पूल है वो उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो बोरो या डिपॉजिट नहीं करना चाहते एंड ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्रोडक्ट है जो कि लिक्विडेशन ऑफर करता है। एंड जो लोग लिक्विडेशन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होते हैं वो दो वे से पैसा कमाते हैं, पहला है पैसिव प्रीमियम एंड दूसरा है जो लिक्विडेशन फीस पेड होती है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन। सो ये था इसका सेकंड की फीचर जो कि लिक्विडेशन कॉन्ट्रैक्ट। सो गाइज ये सब थे एंकर प्रोटोकॉल की इन्फॉर्मेशन। अब हम जाते CoinDCX ऐप के ऊपर एंड एक चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं इसका। सो आप साइड में देख पा रहे होंगे मैंने CoinDCX ऐप ओपन किया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं एंकर प्रोटोकॉल की जो अभी प्राइस चल रही है वो 289.16 रुपीज चल रही है एंड ये लास्ट 24 आवर्स में अप है 6.94% से जो कि अप है 18.79 रुपीज से। एंड जैसे कि आप इसका 1 डे चार्ट देख सकते हैं ये काफी ऊपर जा चुका है एंड जो इसके 24 आवर्स हाई प्राइस है वो है 296.03 रुपीज एंड जो 24 आवर्स लो प्राइस है वो 262.48 रुपीज है। एंड अगर हम इसके लास्ट 1 ईयर के चार्ट की तरफ ध्यान दें तो आप देख सकते हैं ये कि काफी ऊपर चले गया है एंकर प्रोटोकॉल लास्ट 1 ईयर में। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं इसके जो 1 ईयर हाई प्राइस है वो है 296.03 रुपीज़ एंड जो इसकी 1 ईयर लो प्राइस है वो 0 रुपीज़ है। सो गाइज इसके अंदर लास्ट 1 ईयर में काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं एंड आने वाले समय में भी होने वाले हैं। एंड गाइज अब बात करते हैं कि आप एंकर प्रोटोकॉल को बाय कैसे कर सकते हैं। सो अगर आप CoinDCX आप पहले से यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि बाय कैसे करते हैं, बट जो न्यू इन्वेस्टर्स है या जो न्यू क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए मैं स्टेप्स बता देता हूँ कि आप कैसे इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये प्रोसेस एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। पहले तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है CoinDCX ऐप की उसके ऊपर क्लिक करके आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड देन आप साइन अप कर सकते हैं CoinDCX अकाउंट के ऊपर। उसके अंदर आपको आपका ईमेल ID एंड पासवर्ड सेट करना पड़ेगा एंड जब आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा तब आप उसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं। एंड देन आपको केवाईसी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा जो कि हार्डली 5 मिनट्स का टाइम लेता है। एंड इस केवाईसी के अंदर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं जैसे आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, एंड ये इंस्टेंटली आपका वेरीफाई हो जाता है। एंड देन आप सर्च बटन के ऊपर एंकर प्रोटोकॉल सर्च करेंगे तो आपको वो क्रिप्टो मिल जाएगा। सो जो अमाउंट आप एंकर प्रोटोकॉल के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो अमाउंट आप CoinDCX वॉलेट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं एंड देन आप एंकर प्रोटोकॉल को बाय कर सकते हैं। सो गाइस दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वन।